फ्रेंड्स, वेलकम टू द CGPSC मेंस प्रोग्राम ऑफ कंपटीशन कम्युनिटी। मैं हूं निकहत परवीन खान और आज का ये वीडियो हिस्ट्री का जो थर्ड टॉपिक अपलोड किया गया था 3 दिन पहले डिस्कशन कम्युनिटी पर, उसके जो क्वेश्चंस अपलोड किए गए थे उसका एनालिसिस वीडियो है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पहले के दोनों वीडियो में प्राचीन भारत के इतिहास का 90% या मैं कहूँ जो 70% हिस्सा है वो कवर कर लिया था, और मेंस के सिलेबस के हिसाब से जो आखिरी भाग प्राचीन भारत के इतिहास का है वो था गुप्तकाल और दक्षिण भारत के राजवंश। तो यही हमने थर्ड टॉपिक अपलोड किया था और क्वेश्चंस भी इसी पर से थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पे मेनली जो टॉपिक कवर किया गया है वह गुप्त वंश, क्योंकि गुप्त वंश पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का सबसे इंपॉर्टेंट वंश था। स्वर्णकाल कहा जाता है गुप्तकाल को, इसलिए इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी काफ़ी पूछे जा सकते हैं इसमें से, इसलिए इसे स्पेसिफिकली अलग से डील किया जाता है। साथ ही साथ दक्षिण भारत के राजवंशों में चेर, चोल और पांड्य वंश आते हैं और इन पे से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि गुप्त वंश। ठीक, तो इन्हीं टॉपिक्स को कवर करते हुए हमने कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे। एंड आई अगेन वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु आर कंसिस्टेंटली रेगुलरली अपलोडिंग देयर आंसर्स। ठीक, मैं हर वीडियो में अपने कहती हूँ कि आप जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं डिस्कशन कम्युनिटी से, आप जा कर के जुड़ें। और दूसरी चीज़, कई स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि इसका डिटेल हमें कहाँ मिलेगा, तो हमने भी पहले आपको बताया है कि जो भी चीज़ें आपको डिटेल में चाहिए वो मोबाइल कोर्स में अवेलेबल होंगी। ठीक, यहाँ सिर्फ उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन मिलेगा आपको, लेकिन अगर आपको उस पूरे टॉपिक को पढ़ना है तो जो कंपटीशन कम्युनिटी का मोबाइल कोर्स है आप उससे जाकर जुड़ सकते हैं। यू विल गेट ऑल द लेक्चर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स जो भी यहाँ पर आपको मिलते हैं। ठीक है, तो मोबाइल कोर्स में आप जाकर उसे जुड़ें और आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और कीप अपलोडिंग योर आंसर्स, कंसिस्टेंटली इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपके आंसर्स में। बाकी पर्टिकुलरली जब हम एक एक क्वेश्चन लेंगे तो उसमें क्या कमी रह गई आपके आंसर्स में, क्या अच्छा लिखा है आप लोगों ने, वो मैं आपको पैरेलली बताते जाऊंगी। हम डायरेक्टली क्वेश्चंस पर मूव करते हैं। लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 1 of 2 marks। सो 2 mark का आपका क्वेश्चन नंबर 1 है दैट यू हैव टू राइट अ नोट ऑन द प्राग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन। प्राग प्रशस्ति अभिलेख पर आपको एक लेख लिखना था। 2 mark का क्वेश्चन है, 4 इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें दीजिए आप प्राग प्रशस्ति के बारे में और पूरे 2 marks आपके। तो सभी हम जानते हैं कि ये प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख सबसे इम्पॉर्टेंट किस वंश से और किस शासक से जुड़ा हुआ था, तो ये गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त से जुड़ा एक अभिलेख है। इसे इलाहाबाद पिलर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये अल्टीमेटली हमें मिला इलाहाबाद से। ओरिजिनली अगर हम देखें तो ये प्रयाग स्तंभ लेख जो अशोक का था वहाँ से इसका कंस्ट्रक्शन होता है, और बाद में समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशंसा इस प्रयाग स्तंभ में लिखवाई और इस तरह से बन गया प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। मतलब प्रयाग स्तंभ लेख जो है वो अशोक का था, ठीक है, कौशाम्बी में उन्होंने बनाया था। फिर इन्होंने क्या किया, उस पर अपना प्रशंसा, यानी समुद्रगुप्त ने अपनी प्रशंसा लिखवाई और वहाँ से वो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बन गया। प्रयाग स्तंभ लेख अशोक का होगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का होगा। अलाहाबाद पिलर के नाम से भी इसे जाना जाता है। इनिशियली ये जानकारी दे दीजिए। उसके बाद किसने लिखी है इसकी प्रशंसा इसमें, तो इसकी चारण कवि हरिसेन का नाम ले दीजिए। द कोर्ट पोएट ऑफ समुद्रगुप्त हरिसेन रोट द प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, आपको इनके बारे में बताना है। उसके अलावा आपको और क्या चीज़ें बतानी है कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखी है, कौन सी लिपि या स्क्रिप्ट में लिखी है, तो ब्राह्मी लिपि में लिखी है। चंपू शैली में लिखी गई है, मतलब प्रोज और पोएट्री दोनों का इस्तेमाल किया गया है, गद्य एवं पद्य दोनों ही स्टाइल्स का इस्तेमाल किया गया है इसमें। फ्यू पार्ट्स आर रिटन इन प्रोज एंड अदर पार्ट्स आर रिटन इन पोएट्री। ठीक है, तो आपको शैली बतानी है, उसकी भाषा बतानी है, आपको उसकी लिपि बतानी है। साथ ही साथ इसमें मेनली बताया क्या गया, डिस्क्रिप्शन अगर हम देखें तो हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा करते हुए इसमें समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की व्याख्या की है। समुद्रगुप्त अभी सभी जानते हैं कि अगर गुप्तकाल के सभी राजाओं के हिसाब से देखें तो समुद्रगुप्त सबसे ज़्यादा विस्तारवादी, या मैं कहूँ ऐसा राजा था जिसने कई युद्ध लड़े और सभी युद्ध जीते। इसे 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा कि इसने हालांकि कई जगह पर आक्रमण किए थे, उसे जीता भी था, लेकिन उसे अपने साम्राज्य में मिलाया नहीं था। तो आप कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के युद्ध अभियानों की वजह से ही समुद्रगुप्त गुप्त वंश में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। तो बस उसी चीज़ की प्रशंसा खास तौर पर प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में की गई है। इसके युद्ध अभियानों में खासतौर पर जो 4 उसके अभियान थे जिसमें सबसे ज़्यादा जो एम्फेसिस किया गया है वो दक्षिण भारत के अभियान पर किया गया है। ठीक है, दक्षिणा पथ पर आर्यव्रत, आठवीं और सीमावर्ती
राज्य जो चार हिस्सों पर इसने युद्ध अभियान चलाए थे उन चारों का विवरण और फोकस ज़्यादा करता है दक्षिण भारत के अभियान पर। ये युद्ध अभियानों की प्रशंसा करते हुए हरि सेन ने इस अभिलेख को लिखा। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी चार इंपॉर्टेंट चीज़ें, इलाहाबाद से मिला है, अशोक का स्तंभ लेख है, समुद्रगुप्त से संबंधित है और हरि सेन ने लिखा, ये तो ज़रूरी है लिखना। ठीक है, उसके अलावा किस बात बारे में ये बताता है, डिस्क्रिप्शन, वो भी ज़रूरी। फिर इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट डाल दीजिए, ऐसे चार पॉइंट्स बना दीजिए, 2 मार्क्स आपके होंगे। आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, आप एक सिंगल पैराग्राफ में 30 वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। दैट इज़ इट, लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ 2 मार्क्स। आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो 2 मार्क का था वो ये था कि आपको विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों का उल्लेख करना था, उनके नामों को बताना था। अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ नाम बताना है नवरत्नों के और पूरे 2 मार्क्स आप ले जा सकते हैं। इसमें कोई पूर्व भूमिका लिखने की ज़रूरत नहीं, कोई पॉइंट्स नहीं, कोई भी पैराग्राफ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गुप्त वंश के सर्वाधिक आप कह सकते हैं पॉपुलर जो किंग था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उनके भी दरबार में नवरत्न थे। उनका कोर्ट जो है इट वॉज अडोर्न बाय द 9 जेम्स और उनको हम पढ़ते हैं, जिसमें से 4-5 आज तक उनके नाम काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। तो आप क्योंकि किसी नवरत्नों में से किसी 4 के नाम लिखिए, 5 के नाम लिखिए, ऐसा नहीं कहा गया था, तो आपको पूरे 2 मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप पूरे 9 नाम लिखेंगे। समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही हूँ मैं, कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको 2 मार्क्स का पूछा है तो आप अगर 4 भी लिख देंगे या 2 भी लिख देंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर बोलता कि 9 रत्नों में से किन्हीं 4 का लिखिए तो बात अलग थी, जब पूरे 9 रत्नों की बात की जा रही है तो पूरे 9 नाम लिखेंगे तब आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। 1-2 भी मिस होंगे तो आपके कहीं ना कहीं वो आधे मार्क्स कटने के चांसेस हैं। तो देखिए, उनके दरबार में ये 9 लोग थे जो 9 रत्न कहलाते थे, कालिदास, अमर सिंह, वरा मेहर, विताल भट्ट, धनवंतरी, वर रुचि, घटकर पर, क्षणपक और शंकु। ठीक है, आप जानते ही हैं कि लिटरेचर के वजह से गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है प्राचीन काल के इतिहास का, और उसमें अपने आप में कालिदास का नाम सबसे ऊपर रहता है। तो कालिदास, अमर सिंह ने अमरकोश लिखी थी, वराह मिहिर जो है उस बहुत जाने माने खगोलविद, पंच सिद्धांतिका, वृहद संहिता, वृहद जातक, ये सारी इंपॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखी थी। ठीक है, विताल भट्ट इनके जो मुख्य सलाहकार थे वो विताल भट्ट थे, जो लीगल एडवाइज़र थे। ठीक, धनवंतरी उस वक्त के जाने माने फिजिशियन थे। ठीक, और मतलब यहाँ पे आप 4-5 लोगों का डिस्क्रिप्शन तब देंगे जब थोड़े बड़े मार्क्स का हो, यहाँ पे सिर्फ नाम लिख दीजिए तो भी चलेगा। ठीक है, सो ये 9 नाम पूरे लिखें, पूरे 2 मार्क्स लें, अगर 1-2 भी कम लिखेंगे तो आधे मार्क्स आपके कट जाएंगे, डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा गेम खेल सकते हैं कि मान लीजिए आपको पूरे 9 नाम याद नहीं आ रहे, आपको 1-2 याद नहीं आ रहा है, तो आप जितने याद आ रहे हैं, जैसे 7 याद आ रहे हैं तो उनको लिख दीजिए, 6 याद आ रहे हैं तो उनको लिख दीजिए, और थोड़ा थोड़ा इनके बारे में एक एक लाइन में लिख दीजिए, कि कालिदास की कुछ रचनाओं के नाम लिख दीजिए, ये दरबार के उनके कवि थे वो नाम लिख दीजिए, अमर सिंह ने क्या लिखा, धनवंतरी क्या थे, विताल भट्ट क्या थे, आप वो सारी चीज़ें लिख करके थोड़ा बहुत एग्जामिनर को कंपेल कर सकते हैं अपने आप को मार्क्स दिलवाने के लिए। कहने का मतलब, अगर 9 नाम नहीं लिखे और आपने इनका थोड़ा एक एक लाइन में डिस्क्रिप्शन लिख दिया तो हो सकता है एग्जामिनर आपको मार्क्स दे दे, हालांकि क्वेश्चन की डिमांड ये नहीं थी। ठीक है, लेकिन होता है ना कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखिए, कई बार सामने एग्जामिनर को आपने खुश कर दिया तो आप मार्क्स फेच कर सकते हो। ठीक है, बस सिंपल क्वेश्चन था, फैक्चुअल क्वेश्चन था, आपको 9 नाम लिखने थे, दैट इज इट। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 4 मार्क्स। 4 मार्क का आपका ये क्वेश्चन था कि आपको संगम वंश के राजवंशों का विवरण करना है, यू हैव टू डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट डायनेस्टी ऑफ संगम एरा। तो देखिए, मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि दक्षिण भारत के राजवंशों में चेर, चोल, पांड्य, ये 3 वंशों के बारे में पूछा जाएगा। तो सीधा सीधा साउथ इंडियन अगर आप देखेंगे उस टाइम की डायनेस्टीज़, तो ये 3 ही डायनेस्टीज़ हैं जिसके बारे में इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। ठीक है, ये तीनों ही जो वंश हैं वो संगम काल के इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि इनके दौरान साहित्य के 3 इंपॉर्टेंट संगम गोष्ठियाँ या परिषद यानी कि कॉन्फ्रेंसेज, लिटरेचर की कॉन्फ्रेंसेज हुई थी और उस दौरान ये वंश मौजूद थे, इसलिए इन तीनों को हम संगम वंश कहते हैं। ठीक है, तमिल साहित्य में बहुत कुछ कह सकते हैं इस वंश का योगदान है, काफ़ी कुछ इस टाइम पे गढ़ा गया उन तीनों ही साहित्यों के संगम में और उस टाइम पर ये तीनों वंश रहते हैं, इसलिए हम इसे संगम वंश कहते हैं। इसका जो इनका जो जिक्र है वो आपको जो शिला लेख है अशोक के उसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो आप थोड़ा बहुत ऐसा लिख कर, क्योंकि 4 मार्कर क्वेश्चन है, आप इसे 2 पैराग्राफ में कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर तरीका इसे लिखने का एक टेबल के ज़रिए लिखना है।
कई लोगों ने लिखा है, बहुत मैं इस चीज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी। कई लोगों ने एकदम एग्जैक्टली ऐप ऐसा ही लिखा है, क्योंकि इसमें आपको मिलता है कंपैरेटिव चीज़ें, तो जब आपको कंपैरिजंस मिलते हैं दो तीन चीज़ों में, तो वाई नॉट ड्रॉ टेबल, टेबल ड्रॉ करके अपने आप को रिप्रेजेंट कीजिए। आपके प्रेजेंटेशन भी बेहतर होगा, आसान पड़ेगा, आपको लिखना भी कम पड़ता है और मार्क्स भी पूरे मिलने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ना भी कम पड़ता है, वो अलग से कैची कैची सा दिखता है। ठीक है, तो आपको कुल मिला के संगम वंश में चेर चोल पांडे के बारे में थोड़ा सा विवरण देना था। आप चाहे तो तीन कॉलम बना सकते थे, आप चाहे तो चौथा कॉलम। इसमें से जो थोड़ा उतना फेमस पार्ट नहीं है वो इसके शासकों के नाम, अगर अभी तीन कॉलम भी बना दे तो एग्जामिनर के ऊपर है, वो आपको पूरे पूरे चार मार्क्स दे सकता है। तो कृष्णा नदी से दक्षिण की ओर सुदूर दक्षिण भारत में ये तीन वंश उस समय थे। तो पहले तो इनका सबसे पहले आप क्षेत्र बताएं। जो चेर वंश था, इन्हें केरल पुत्र भी कहा जाता था, ये कोंकण और मलाबार जो तट है, जो वर्तमान का केरल और तमिलनाडु वाला जो एरिया है, वहाँ पर ये वंश जो है वो विद्यमान था। कोच्चि वाला जो रीजन है आपका, त्रिवेंद्रम वाला जो रीजन है आपका, वहाँ पर ये वंश था केरल तमिलनाडु रीजन में। जबकि चोल वंश जो है, जो अपोजिट कोरोमंडल का जो तट है आपका, जो तमिलनाडु वाला ऊपरी तट है, वहाँ पर चोल वंश था। तंजौर और तिरुचिरापल्ली वाले जो ज़िले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं वर्तमान की, वो इसके क्षेत्र के अधीन आती थी। और ये जो चोल वंश का साम्राज्य था, पेन्नार और वेलार नदी जो है इसके बीच में फैला हुआ था। वहीं जो पांड्य वंश है वो तमिलनाडु का सबसे जो दक्षिणतम छोर है वहाँ पर था। तो मलाबार मतलब आपका कोरोमंडल तट ही, लेकिन एकदम जो सदर्न पार्ट है आपका वहाँ पर था। ठीक है, तो अगर आप इस तरह से देखें तो यहाँ पर चेर थे, यहाँ पर आपका चोल थे, और यहाँ पर आपके पांड्य थे। ठीक है, यहाँ पे चेर, यहाँ पे चोल, और यहाँ पे पांड्य। तो पहले तो आप क्षेत्र का विवरण करेंगे, ठीक। उसके बाद इनकी राजधानियाँ, चेर की राजधानी वंजी, चोल की राजधानी उरावर और तंजावुर, और पांड्य की राजधानी मदुरा या मदुरई। ठीक, उसके अलावा ये तीनों ही जो राजवंश हैं, इनके अपने अपने कोई ना कोई एम्बलम्स थे, कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह थे। और चेर का जो प्रतीक चिन्ह था वो था धनुष, चोल का जो था वो था बाघ, और पांडे का जो था वो था कार्प नाम की एक विशेष तरह की मछली हुआ करती है, वो इनकी प्रतीक चिन्ह थी। तो कुल मिलाकर फिश। ठीक है, तो धनुष, बाघ और मछली। तो आप प्रतीक चिन्हों का विवरण जरूर दें, राजधानियों का और क्षेत्र का। इतना भी अगर आप सही तरीके से करेंगे, एक आध लाइन कंक्लूजन इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि भाई संगम वंश क्यों कहा जाता है और ये वंश उस समय क्यों संगम के अधीन आते हैं, या इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इनके बारे में एक एक लाइन में और लिख सकते हैं, अगर आप पॉइंट्स में लिख रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए पांडे वंश हैं। ठीक है, पांडे वंश के बारे में बोला जाता है कि ये वंश जो है ये मोतियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, यहाँ स्त्रियों का शासन हुआ करता था। अगर आपको इनके बारे में एक दो जानकारी है तो आप वो डाल सकते हैं, और अगर नहीं तो आप अगर इनके शासकों के नाम याद कर सके तो बेहतर होगा, वो पूरा आपका चार्ट कंप्लीट कर देता है, फिर आपके चार मार्क्स कहीं नहीं गए। तो देखिए, चेर वंश में उदयन जिराल इसके संस्थापक थे, तो उदयन जिराल का नाम जरूर डालें। उदयन जिराल, शेन गुट्टूवन, ये दो नाम आप डाल सकते हैं। चोल वंश में करिकाल का नाम डाल सकते हैं आप। पांडे वंश में नेडियोन और नेंडुजेलियन का नाम आप डाल सकते हैं। हालांकि इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, इसलिए आप इतना भी चार्ट बनाएंगे तो एग्जामिनर आपको पूरे मार्क्स दे सकता है। साथ ही साथ एक दो लाइन आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में लिख दीजिए, चाहे तो इनके बारे में विवरण दे दीजिए, तो संगम वंशों के बारे में विवरण दे दीजिए। ठीक है, तो सबसे बेहतर तरीका प्रेजेंटेशन का ये होगा कि आप टेबल या चार्ट बना करके इन तीनों वंशों के बारे में बताएं, आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, लेट अस नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर टू ऑफ फोर मार्क्स। सो फोर मार्क्स का आपका क्वेश्चन नंबर टू था कि यू हैड टू थ्रो लाइट ऑन द सोशल लाइफ ऑफ गुप्ता एरा, गुप्त काल में सामाजिक जीवन पर आपको प्रकाश डालना था, सोसाइटी के बारे में बताना है। जब भी आपको सोसाइटी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है तो तीन चार चीज़ों पर आपको फोकस करना पड़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट है कास्ट सिस्टम, शुरू से लेकर अगर आप वैदिक काल से लेकर आधुनिक जहां तक के भी आप राजवंश पढ़ते हैं, अगर किसी भी टाइम पे आपको सोसाइटी पूछता है तो आपको रिलीजन या कास्ट सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालनी पड़ती है, वो सबसे मेन फैसेट है उसका। ठीक है, कास्ट सिस्टम के तहत ही थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब कर दीजिए, एलिब्रेट कर दीजिए कि अगर जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, धार्मिक भेदभाव था कि नहीं था, और अगर ऐसा था तो फिर किसकी पोजीशन ऊपर थी, किसकी नीचे थी, किस तरह से कुछ बदलाव हुए, किसको क्या काम सौंपा जाता था, इन चीज़ों पर आपको ज़्यादा रोशनी डालनी है। उसके अलावा समाज में फैली कुरीतियाँ कौन सी उस वक्त थी, कौन सी नहीं थी, स्त्रियों की दशाएं कैसी थी, ठीक है, विवाह पद्धतियाँ कैसी थी, आय के स्रोत क्या थे। आय के स्रोत हालांकि आप आर्थिक सामाजिक स्थिति में डाल सकते हैं, उसे स्किप भी कर सकते हैं, पर विवाह पद्धतियों पर, स्त्रियों की दशाओं पर, सामाजिक कुरीतियों पर, नए रीति रिवाजों पर,
और कास्ट सिस्टम पर, आपको ये तीन चार चीज़ों पर फोकस करते हुए हमेशा सोशल लाइफ को लिखना होता है। तो गुप्त काल में भी अगर हम देखें तो ये इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कवर करने चाहिए थे फोर मार्कर आंसर के लिए। पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं और अगेन दो पैराग्राफ में 30-30 वर्ड्स में डिवाइड करके भी लिख सकते थे। तो गुप्तकालीन समाज में पहले तो याद रखिए कि जो गुप्त थे वो खुद जो थे वो वैश्य थे, ठीक है, ये क्षत्रिय नहीं थे। तो गुप्त थे वो वैश्य थे, और इसमें चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट उल्लेख करना है आपको, सबसे पहले इसे उल्लेख करने से पहले वो ये कि वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व था, वर्ण व्यवस्था का अस्तित्व था और उसका ना सिर्फ इम्पोर्टेंस बना रहा बल्कि बढ़ गया। ब्राह्मणों की जो पोजीशन इससे पहले तक थी वो और बढ़ गई, उन्हें कहीं ना कहीं भूमि प्रदान करने लगे थे गुप्त राजा जिसे ब्रह्मदेव कहा जाता था, और उन पर प्रॉपर्टी राइट्स भी उन्हें दिया जाने लगा। तो एक नया वर्ग उभर कर आया ब्राह्मणों का जो कि ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स थे। तो वर्ण व्यवस्था थी और कोई कर्म के आधार पर नहीं, जन्म के आधार पर आप उसे जाति व्यवस्था ही कह सकते, ब्राह्मणों की पोजीशन सबसे ऊपर थी और वो ब्राह्मण लैंडलॉर्ड्स भी बनने लगे थे, उनको और कह सकते सुप्रीम पावर्स मिल गए थे। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क समझिए कि क्या इस टाइम पे सोसाइटी में एग्जैक्टली था। ब्राह्मणों को जब बहुत ज़्यादा राइट्स देने लगे गुप्त राजा जो कि खुद वैश्य थे, तो ब्राह्मण भी जो है वैश्यों को क्षत्रियों से थोड़ा ऊपर देखने लगे थे। मतलब वो गुप्त राजाओं को विश्वास दिलाने लगे थे ब्राह्मण कि वो जो हैं वो क्षत्रियों से ऊपर हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिए कि शूद्रों की जो पोजीशन है वो इस समाज में थोड़ी सी ठीक हुई थी। इन्हें कुछ रीति रिवाज जिनसे इन्हें पहले दूर रखा गया था, जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, जो क्रियाकलाप हैं, उनको करने की इजाज़त दी गई थी। रामायण महाभारत पढ़ने सुनने की इजाज़त दी गई थी। तो याद रखिए जो वर्ण व्यवस्था में शूद्रों की पोजीशन थी वो थोड़ी बेहतर हुई थी, क्षत्रियों की पोजीशन थोड़ी कम हुई थी, वैश्यों की पोजीशन ऊपर हुई थी और ब्राह्मण सबसे सुप्रीम, ठीक है। तो इस तरह से शूद्र ऊपर, ब्राह्मण सबसे ऊपर, और यहाँ पर थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ था, वैश्यों को क्षत्रियों से ऊपर देखा जाने लगा था। ये ब्राह्मणों का ही काम था क्योंकि वो जो थे वो गुप्त राजाओं को वैश्य होने के कारण उनको थोड़ा सा बताते थे कि दे आर लाइक रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड एंड ऑल, ये सारी चीज़ें वो बोल करके उनको क्षत्रियों से ऊपर यकीन दिलाते थे कि वो आप हैं, ठीक है। ये याद रखना, शूद्रों की पोजीशन सुधरी थी, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। और आगे आप देखते हैं कि ये वाले पॉइंट के बाद सीधा मैं इसमें आती हूँ, फिर इसमें बताऊंगी। अछूतों को अंत्यज या चांडाल कहा गया जिनका स्पर्श वर्जित था। अभी मैंने कहा कि भाई शूद्रों की पोजीशन सुधरी थी तो फिर स्पर्श वर्जित का मतलब क्या है? अनटचेबिलिटी, इन्हें अस्पृश्यता थी, अस्पृश्यता थी। और उस वक्त के समाज में ऐसा था कि शूद्र और अछूत ये दो अलग वर्ग हो गए थे। शूद्रों में भी कुछ वर्गों को हटा करके अछूत कर दिया गया था। फाहियान के उल्लेखों में ये मिलता है कि उन्हें चांडाल या अंत्यज कहा जाता था और अनटचेबिलिटी प्रिविलेंट थी। शूद्रास वर डिफरेंट फ्रॉम चांडाल्स, ठीक है। शूद्र जो थे वो थोड़े से ऊपर उठे थे, पर एक्सट्रीमली जो शूद्र की लोअर कास्ट हुआ करती थी उन्हें चांडाल कहा जाता था और अनटचेबिलिटी प्रिविलेंट थी। तो एक तरह का मिक्सचर आप बोल सकते हैं, कुछ शूद्रों का अपलिफ्टमेंट हुआ तो कुछ शूद्रों का और दमन हो गया उस वक्त, ठीक है। उसके अलावा अनुलोम प्रतिलोम विवाह पद्धतियाँ उस वक्त काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई, मतलब अलग अलग वर्ण या जातियों के बीच में विवाह होना प्रारंभ हो गया, और अंतर जाति विवाह के वजह से कई मिश्रित जातियाँ जो हैं उनका अस्तित्व आया, बहुत सारे मिक्स रेसेस उस टाइम अस्तित्व में आई। उसके अलावा ये भी याद रखिए कि पहली बार कायस्थ जाति का जो उल्लेख है वो याज्ञवल्क्य के उल्लेख में मिलता है आपको, वो गुप्त काल में ही है। कायस्थ जिनको मेनली काम दिया जाता था पढ़ने लिखने अकाउंटेंसी का, उसका पहला विवरण है, कायस्थों का पहला उल्लेख आपको गुप्त समाज में ही मिलता है, ठीक है। तो जाति व्यवस्था, धर्म, समाज के बारे में आप इतनी चीज़ों को बताएं। उसके अलावा अगर आप सोशल लेवल्स की बात करें तो दास प्रथा प्रचलित थी, स्लेवरी के एविडेंसेस मिलते हैं हमको। स्त्रियों की दशा, हमेशा आपको उस पर फोकस करना ही होगा। स्त्रियों की दशा में एक तरह की मिक्स्ड राय है। आप ओवरऑल इतिहासकारों को ये कहते सुन सकते हैं या पढ़ सकते हैं कि स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। वजह यह थी कि आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि भानुगुप्त के अभिलेख में सती प्रथा का विवरण मिलता है, जिसे हमको पता चलता है कि सती प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी गुप्तकालीन समाज में। उसके अलावा देवदासियों के उत्तर भारत के गुप्तकालीन साम्राज्य में आपको जो वैश्यवृत्ति है, देवदासियाँ हैं, उनके बारे में बताता है। तो वहाँ पर स्त्रियों की दशा के बारे में बताया गया है कि भाई कहीं ना कहीं उनको एक मटेरियलिस्टिक वे में इस्तेमाल किया जाता
जाता था। तो देवदासी प्रथा प्रचलित थी, सती प्रथा प्रचलित थी, स्त्रियों को प्रॉपर्टी में राइट्स नहीं दिए जाते थे। तो इस तरह से ओवरऑल देखा जाए तो गिरावट आई। लेकिन कुछ साक्ष्य ये भी मिलते हैं कि स्त्रियों को स्त्रीधन के पूरे राइट्स थे, वो लोग मॉर्गेज कर सकते थे, वो लोग सेल कर सकते थे, लोग परचेज कर सकते थे। तो कहीं कहीं कुछ चीज़ें उनको राइट्स के तौर पर दी गई, लेकिन ओवरऑल गिरावट थी। क्योंकि एक तो ये हो गया कि जो ऊपर के दो वर्णों की स्त्रियां हुआ करती थी उन्हें पढ़ने लिखने से, उन्हें कामकाज करने से बिल्कुल वर्जित कर दिया गया। हाँ, दोनों जो लोअर वर्ण हैं उनकी स्त्रियां कामकाज कर सकती थी तो वहाँ पे उनको थोड़ी फ्रीडम थी, लेकिन ऊपर की जो ब्राह्मण या क्षत्रिय जो भी स्त्रियाँ होती थी उनको पूरी तरह से घर के अंदर चार दीवार के अंदर लिमिट कर दिया गया। तो उनकी दशा और बुरी हो गई। जो लोअर तबका शूद्र जाति की स्त्रियाँ होती थी उनकी दशा थोड़ी सी ऊपर उठी। तो इस तरह से आपको एक पिक्चर क्रिएट करना है, एकदम एक तो ना तस्तरह करके बताना है, सही गलत आपको एक बॉटम लाइन नहीं देना, आपको सब चीज़ें बतानी कि यहाँ पे अगर ऐसा पॉजिटिव हुआ तो ऐसा नेगेटिव भी हुआ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको चार मार्क्स पूरे दिला सकती है अगर आपने सभी चीज़ें इसमें उल्लेखित कर दी। अगर आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप इसमें डालना चाहें तो आप बिल्कुल डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी इन चीज़ों पर आप फोकस ज़रूर करें गुप्तकालीन समाज में, दैट विल फेच यू फुल फोर मार्क्स। हालांकि पैराग्राफ वे में लिखेंगे तो थोड़ा मुश्किल होता है, पॉइंट्स वे में लिखेंगे अगर आपने अच्छे खासे पाँच छः पॉइंट्स लिख दिए तो पूरे चार मार्क्स आपके हो सकते हैं। ठीक, सो लेट अस नाउ मूव ऑन टू द 8 मार्क का क्वेश्चन। आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन था कि आपको संगम काल के साहित्य संगमों के बारे में बताना है और साथ ही साथ उस काल में लिखी गई पुस्तकों के बारे में। अभी अभी मैंने इस वीडियो में बताया कि जो दक्षिण भारत के राजवंशों से संगम वंश कहा जाता है और उन्हें संगम वंश कहने के पीछे वजह यह है कि उस वक्त साहित्य के 3 इंपॉर्टेंट संगम हुए थे जिसमें तमिल साहित्य की बहुत सी इंपॉर्टेंट रचनाएँ उस वक्त रची गई थी और उसी वजह से ये पूरा पीरियड इंपॉर्टेंट है। उस वक्त के राजवंशों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये साहित्य के संगमों की वजह से इंपॉर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है जब इस टॉपिक को छूता है एग्जामिनर तो साहित्य के संगमों पर से सवाल लाजमी हो जाते हैं, बनते ही हैं। तो इस वजह से साहित्य के संगमों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए और आप इसे 4 मार्कर या 8 मार्कर दोनों ही तरह के क्वेश्चंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ी सी डिटेलिंग अगर एक आध क्वेश्चन अटैच कर दे तो ये 15 मार्कर क्वेश्चन भी बन सकता है। तो साहित्य के 3 संगम हुए थे संगम वंश में या संगम काल में, 3 संगम हुए थे, तो आपको एक अगेन टेबुलर फॉर्म में इन संगमों के बारे में बताना है और यही सबसे बेस्ट तरीका है। मैं यहाँ कुछ लोगों के नाम ज़रूर लेने चाहूँगी जिन्होंने ख़ासतौर पर इस पर्टिकुलर आंसर में काफ़ी अच्छा अपना रिस्पॉन्स दिया है। रोशन यादव, देवश्री विश्वास, राजेश साहू और मधुलिका दिक्सेना। ठीक है, जो दूसरे लोग हैं वो लोग इन तीनों चारों के आंसर ज़रूर पढ़ें और एग्जैक्टली जैसे मैं आपको बता रही हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर कुछ अलग तरीके से कुछ वैरायटी ऐड करके इन लोगों ने अपने आंसर्स लिखे हैं। प्रेजेंटेशन का सबसे अच्छा तरीका यही है कि 100 वर्ड्स का आपका आंसर है तो आप इस तरह से एक चार्ट बना करके मैक्सिमम मार्क्स फेच कर लें और पुस्तकों का उल्लेख कुछ अलग से करें। 2 हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, संगमों के बारे में बताना है और पुस्तकों के बारे में बताना है। तो संगम के बारे में आप टेबुलर फॉर्म में और पुस्तकों के बारे में आप पॉइंट्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो प्रथम संगम हुआ था वो मदुरई में हुआ था जिसके जो अध्यक्ष थे वो अगस्त्य ऋषि थे और उसमें जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो 549 थी और शासकों की संख्या जो थी वो 89 थी। ठीक है, जो संरक्षक शासक थे जिन्होंने वो संगम करवाया था वो 89 थे। उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट तमिल साहित्यिक किताबों की रचना हुई जिसमें से आप एक दो कोई भी जो आपको याद हो एग्जाम्पल लिख सकते हैं। अगर आप रचनाएँ अलग से लिख रहे हैं तो चाहें तो इस चार्ट के आखिरी वाले इस कॉलम को हटा भी सकते हैं क्योंकि आप किताबें अलग से भी लिख रहे हैं। आप इतने ये 4 पॉइंट्स लिख कर भी संगमों को डिटेलिंग कर सकते हैं और अलग से फिर आप संगम साहित्य के बारे में बता दीजिए। अगर आपको रिस्पेक्टिवली याद नहीं आ रहा कि किस संगम में कौन सी किताब रची गई तो इट इज़ ओके, आप वाले कॉलम को हटा दीजिए और अलग से किताबों को एक साथ लिख दीजिए। लेकिन अगर याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि 8 मार्कर क्वेश्चन है, पूरे पूरे मार्क्स नहीं मिलते हैं इसमें। फिर भी अगर आप वो कॉलम लास्ट वाला लिख देते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। जैसे कि मैंने ऑप्शन आपको यहाँ पे बताया है, अकट्टियम या अगस्त्यम या परिपादल 2 किताबें फर्स्ट में, तुलकीबियम जो तमिल व्याकरण है वो लिखा गया सेकंड में, विंदाली लिखा गया और तीसरे में अवधिष्ट लिखा गया। तो ये किताबों का अगर आप जिक्र कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो खैर वो पहली थी। दूसरी जो आपकी कॉन्फ्रेंस थी वो कपाटपुरम या अलवय भी बोला जाता था, अलवय कपाटपुरम में हुई थी। तो लकपियर जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, इसमें 49 मेंबर्स थे और शासकों की जो संख्या थी वो थी 59
और जैसे कि अभी मैंने बताया, ये दोनों जो किताबें हैं वो इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में लिखी गई थी। तृतीय जो कॉन्फ्रेंस थी वो उत्तरी मदुरई में हुई थी और नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे। इसमें जो कुल सदस्य थे 49 थे और वो शासक जिन्होंने संरक्षण दिया था वो भी 49 थे। अवधिष्ट जो है वो इस टाइम पे तमिल साहित्य में लिखा गया। ये कुछ किताबें जो प्रस्पेक्टिव आप लिख सकते हैं। फिर आपका एक हिस्सा था जिसमें आपको इस वक्त लिखी हुई किताबों के बारे में बताना है। तो तमिल साहित्य मैक्सिमम इस टाइम गढ़ा गया और उनमें लिखी किताबों को मेनली दो हिस्सों में आप कैटेगराइज कर सकते हैं, अगम और पुरम। अगम साहित्य जो तमिल साहित्य वो प्रेम संबंधी साहित्य है और पुरम साहित्य जो है वो राजाओं की प्रशंसा है। मेनली दो ही सब्जेक्ट्स पर उस वक्त किताबें लिखी गई थी, ठीक है। अगम जो प्रेम संबंधी और पुरम जो है वो राजाओं की गाथा है, ठीक। कुछ इंपॉर्टेंट अगर बुक्स की बात करें हम तो शिल्पाधिकारम जो इलागो आदिगल ने लिखी, मणि मेखलई जो सितलई सतना ने लिखी, जीवक चिंतामणि जो तिरुत्तक देवर ने लिखी और कुरल जो तिरुवल्लुवर ने लिखी। और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, आप अपने हिसाब से कोई भी 4-5 एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। इसमें 3-4-5 जो भी आपको नाम याद आ रहे हैं, अगर दो ही नाम याद आ रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दो और दो नाम लिख दो, ठीक है। ये चार्ट बनाइए, कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, सिर्फ 5-6 नाम ही याद आ रहे हैं तो डायरेक्टली वो लिख दीजिए, और मैक्सिमम मतलब अगर आप 8 में से हो सकता है एग्जामिनर आपको 6.5-7 मार्क्स इसमें दे दे, और अगर उस पे बहुत ही खुश हो गया आपके आंसर से तो हो सकता है 7.5 मार्क्स या 8 मार्क्स, वो डिपेंड करता है, भी दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से दो हिस्से हैं, मैक्सिमम मार्क्स आपको इसमें से मिलेंगे और वो जो आप किताबों के नाम बताएंगे, अगर साथ में आप लेखकों के नाम भी बता देते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दक्षिण साहित्य है, नाम भी आपको थोड़े से अजीब लगेंगे, इसलिए इनको इवन अटेम्प्ट करना भी स्कोरिंग होगा, समझ रहे हैं। क्योंकि ईजी नहीं, ना तो किताबों के नाम ईजी हैं ना तो लेखकों के नाम ईजी हैं, इसलिए अगर आपने इन्हें याद करके अटेम्प्ट किया है तो एग्जामिनर उसी से खुश होकर आपको ज़्यादा मार्क्स दे देगा, ये ज़रूर याद रखिए। ईजी क्वेश्चन में आप जितना भी लिखें मार्क्स कम मिलते हैं, पर अगर कुछ चीज़ डिफ़िकल्ट है उसमें आप थोड़ा भी लिख देते हैं, थोड़ा भी अटेम्प्ट करते हैं तो एग्जामिनर को ये समझ में आता है कि आपने अलग से पढ़ा है, कुछ अलग पढ़ा है, और आपको वो खुश होकर थोड़े ज़्यादा मार्क्स दे देता है दूसरों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर होगा इस 8 marker 100 words के क्वेश्चन का। प्रेजेंटेशन आप यूनिक बनाइए, क्रिएटिव बनाइए और ज़्यादा मार्क्स फेच कर लीजिए। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन, द 15 marker क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री। 15 marker क्वेश्चन जो है वो आपको गुप्ता एरा के आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर एलिसिडेट करने के लिए कहता है, मतलब कि आपको गुप्तकालीन जो कला एवं स्थापत्य उसके ऊपर प्रकाश डालने के लिए कहता है। एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, इसके एक एक पार्ट पर भी आपके 8 marker क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये इतना बड़ा टॉपिक है कि इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन रहती है कि आप एक जो 20 मार्क्स का या पहले 40 मार्क्स का क्वेश्चन आया करता था उतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको 15 मार्क्स में 175 वर्ड्स में इसे लिखना है। बेहतर है कि एक पूर्व भूमिका और एक निष्कर्ष के साथ बीच में कला एवं मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर को ये 3 हिस्से करके आप लिख दीजिए। आप लोगों ने अलग अलग वैरायटी के आंसर्स इसमें लिखे हैं और वो सभी वैरायटीज़ अच्छी हैं। देखिए जब बड़े आंसर्स लिखने की बात आती है तो उसमें इंसान अलग तरीक़ों से लिख सकता है और वो वैरायटी ही उसकी ब्यूटी है, ये ध्यान रखें। एक तरह के मोनोटोनस आंसर्स इसमें नहीं, इसमें बहुत सारी तरीक़ों से आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, बहुत सारे फैक्ट्स को ले सकते हैं। जब आपके पास फैक्ट्स बहुत होते हैं तो कोई कुछ फैक्ट्स को लिखता है, कोई कुछ फैक्ट्स को लिखता है, एक्सप्लेनेशन का वे भी अलग होता है। तो मैंने से कहा वैरायटी ही इसकी ब्यूटी है, इसलिए मैं कोई एक उसमें नहीं बांधना चाहूँगी कि यही स्ट्रक्चर है, बट जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक आउटलाइन है वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे आप दूसरों के भी आंसर्स पढ़िए जो डिस्कशन कम्युनिटी पर अपलोडेड हैं और उनमें भी आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे, ठीक। तो अगर हम गुप्तकालीन कला और संस्कृति की बात करते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं, तो मुख्यतः आपको 3 चीज़ों पर रोशनी डालनी होगी, स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला, ठीक है। तो जो आपका आर्किटेक्चर है वो सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट था इसका, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे मंदिर निर्माण की जो प्रथा है वो इस काल में शुरू होती दिखती है, और इस काल में नागर शैली के जो मंदिर हैं वो बनना शुरू हुए। तो नागर शैली के ऊपर थोड़ा प्रकाश डालते हुए आप नागर शैली के मंदिरों की विशेषताएँ बता दीजिए, उसके एग्जाम्पल्स बता दीजिए, ठीक। दशावतार मंदिर और जितने दूसरे एग्जाम्पल्स उनके बारे में बता दीजिए, बाद में किस तरह से नागर शैली से दूसरी शैलियाँ विकसित हुई उनके बारे में बता दीजिए। उसके अलावा गुफाओं के स्थापत्य के बारे में बता दीजिए कि जो महत्वपूर्ण गुफाएं जैसे कि अजंता, एलोरा, बाग, उदयगिरी, नासिक, जूनागढ़, इन गुफाओं में भी कई सारी गुफाएँ जो हैं वो गुप्तकालीन ही हैं। तो स्थापत्य में आप खासतौर पर मंदिर निर्माण की नागर शैली, उसके एग्जाम्पल और उसकी विशेषताओं पर फोकस करेंगे, और
गुफाओं में, इन गुफाओं में जो कुछ भी आपकी आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट गुफाएं हैं उनका विवरण दे दीजिए। एग्जाम्पल्स जितने देंगे इस पर्टिकुलर पार्ट में उतना ज़्यादा मार्क्स आप ले सकते हैं। उसके अलावा मूर्तिकला, सबसे इम्पॉर्टेंट तो आर्किटेक्चर है। मूर्तिकला में भी देखिए, मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। इस दौरान ज़्यादातर विष्णु और बुद्ध की प्रतिमाएँ बनाई गई। इवन गंगा यमुना की जो प्रतिमाएँ हैं, मूर्तियाँ हैं, वो इस टाइम गुप्तकाल में बनानी शुरू की गई। चित्रकला की बात अगर हम करते तो वही गुफाएं जिनका जिक्र मैंने स्थापत्य में किया था, उन्हीं गुफाओं में आप गुप्तकालीन म्यूरल पेंटिंग्स एंड फ्रेस्को पेंटिंग्स देखते हैं। जो म्यूरल या भित्ति चित्रकला है उसके भी एक एग्जांपल आपको गुप्तकाल में दिखेंगे। जो फ्रेस्को चित्रकला होती है, यानी दीवारों पर जो ये दोनों ही चित्रकारियाँ की जाती हैं, उस पर भी आपको कई सारे इसमें साक्ष्य मिलेंगे। अजंता की गुफाओं में, एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, जैसे कि गुफा नंबर 16 में मरणासन राजकुमारी के चित्र है, कई पशु पक्षियों के चित्र हैं, कई अलौकिक पशु पक्षियों के चित्र किए गए हैं। तो एग्जाम्पल जितना देंगे उतना बेहतर होगा आपका आंसर। एक एक चीज़ पर छोटे छोटे क्वेश्चन भी बन सकता है। जनता की गुफाओं पर आपका अलग से क्वेश्चन बन सकता है। तो उसको स्थापत्य की नज़रों से, वंशों की नज़रों से, चित्रकला की नज़रों से अलग तरीके से लिखने के लिए आ सकता है। नागर शैली के मंदिरों की विशेषताओं के ऊपर अलग क्वेश्चन आ सकता है। नागर, बेसर और जो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करने भी आपको क्वेश्चन में दे सकता है, याद रखिए। ठीक है, तो इनमें अपने आप में 8-8 मार्कर क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वो गुफाओं की बात करूँ मैं, नागर और बेसर शैली और द्रविड़ शैली के मंदिरों की बात करूँ। वैसे ही एक पूरी तरह से होल सोल क्वेश्चन था जिसमें आपको ये तीन पहलू छूने थे, जिसमें से ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए स्थापत्य पे, मंदिरों की विशेषताओं पे, दूसरा आर्किटेक्चर पे, गुफाओं पे, और गुफाओं को आपको चित्रकारी के जरिए एक्सप्लेन करना है कि भित्ति चित्रकला भी थी, फ्रेस्को चित्रकला भी थी, भित्ति और फ्रेस्को चित्रकला में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये भी आपका 2 मार्कर क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इस टाइम काफ़ी कुछ बौद्ध धर्म का प्रभाव था भारत में, तो जातक कथाओं का काफ़ी चित्रण आपको अजंता एलोरा की गुफाओं में दिखेगा, उन चीज़ों के ऊपर प्रकाश डालिए। तो गुफा चित्रकारी, गुफा स्थापत्य, मंदिर में नागर शैली के मंदिर, उनके एग्जांपल, उनकी विशेषताएं, इन चीजों का आपका आंसर 70% होना चाहिए। थोड़ा बहुत आप मूर्तिकला के बारे में लिख दीजिए, एक पूर्व भूमिका डाल दीजिए, ठीक, मतलब विशेषताओं को बताते हुए कि भाई स्वर्ण काल कहा जाता था गुप्त काल को, और उसमें स्वर्ण काल कहने के पीछे कई सारे कारण हैं, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो विज्ञान हो, और एक बड़ा कारण आपका कला और संस्कृति भी होती है। तो उस तरह से आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर इन सभी चीज़ों को इन्फॉर्मेशन वे में प्रेजेंट कीजिए 100 वर्ड्स में, ठीक है, और फिर नीचे आपका एक कंक्लूजन दे करके इसे कंक्लूड कर दीजिए। कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन में मैं आपको बांधूंगी नहीं, आप अपने विचार वहाँ पर अभिव्यक्त कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इन चीज़ों की डिटेलिंग आएगी। जितने एग्जाम्पल, जितने साइट्स और प्लेसेस आप बताएंगे उतना बेहतर होगा। ये तीन इसके कैटेगरी ज़रूर हैं, पर स्थापत्य इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और चित्रकला, अगर गुफाओं की बात करूं मैं, तो चित्रकला जो है इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। इज इट क्लियर? बाकी वैरायटी के लिए आप डिस्कशन कम्युनिटी पर अपलोडेड वेरियस आंसर्स को देखें। आई अगेन अप्रिशिएट ऑल द आंसर्स व्हिच आर रिटन बाय यू ऑल, कीप अपलोडिंग, थैंक यू सो मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।